फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका कि y इक्वल्स टू, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, टू अक्स स्क्वायर प्लस थ्री अक्स प्लस वन। ध्यान से सुनिएगा बातों को। तो पहली चीज क्या करनी है, थिंक करनी है आपको। फर्स्ट आपने क्या सोचा, थिंक इसका a क्या है, टू है जो पॉजिटिव है। अगर a इसका टू है पॉजिटिव है तो वो ये क्या होगा, है ना, अपवर्ड पैराबोला होगा, और वो भी कौन सा होगा, वो भी कौन सा होगा, अपवर्ड होगा, पैराबोला होगा और अपवर्ड होगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। दूसरी काम वर्टेक्स देखना आपको, दूसरी चीज वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स के लिए आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिएगा जो हमने लिखा है वो करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका फोर अक्स प्लस थ्री, ठीक है, फोर अक्स प्लस थ्री। तीसरा काम हमें इसको डी डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल करना है, जीरो के इक्वल करते हैं। यहां से ध्यान से देखिएगा, फोर अक्स माइनस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो करते हैं, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का थ्री बाई फोर, x इक्वल टू माइनस का थ्री बाई फोर। हाँ जी, ये आपका x आ गया। x की वैल्यू पुट करोगे आप किसमें, x की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे। अच्छा मेरे को एक बात बता दीजिएगा, मैं यही पूछना चाहता हूँ आपको, हमें डबल डेरिवेटिव करने की जरूरी पड़ेगी, हमें डबल डेरिवेटिव करने की जरूरी पड़ेगी हमें। अरे हाँ ना बोलिएगा, डबल डेरिवेटिव हम वर्टेक्स ही तो देखते थे कि भाई वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो हम डायरेक्ट ही देख लिए कि ए अगर हमारा पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ से हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डबल डेरिवेटिव करने की जरूरी भी नहीं होगी। तो ये जो अक्स की वैल्यू है ये आपकी फंक्शन में रखनी है। फंक्शन क्या है आपका, वाई इक्वल्स टू टू अक्स की जगह हम रखेंगे माइनस का थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस का थ्री माइनस का थ्री बाई फोर प्लस का वन। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये आ रहे हैं नाइन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, ये आ जाएगा आपका एटीन अपॉन सिक्सटीन, और ये आ जाएगा आपका माइनस का थर्टी सिक्स बाई सिक्सटीन। हाँ जी मैंने सही लिखा है, अब मेरे को सोच के बताइएगा क्या मैंने सही लिखा है। अच्छा आगे वाला समझ, अब समझ में आ जाएगा, मैं आपको ये लिखना चाहता हूँ कि सिक्सटीन बाई सिक्सटीन। अब बता दीजिएगा अब मैंने सही लिखा है क्या, सर आपने ऐसा किया क्यों है और इसके पीछे आपका राज क्या है। मैं डायरेक्ट मैं एक स्टेप यहाँ से गायब करना चाह रहा हूँ, आपकी स्पीड बनाना चाह रहा हूँ। मैंने एक ये स्टेप इसलिए की है क्योंकि मुझे एलसीएम मिल जाएगा, है ना, मुझे बाद में एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड से खेल गया हूँ। और अगर इसको सोल्व करूँगा, इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा थर्टी फोर प्लस का और थर्टी माइनस का थर्टी सिक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का टू, तो इसका वाई आ जाएगा माइनस का वन बाई एट। अच्छा वर्टेक्स की सर आप बात कर रहे थे, वर्टेक्स की आप बात कर रहे थे, तो ये बताना चाहूँगा कि ये वाई है आपका, ये आपका वाई है। सर वर्टेक्स की बात कर रहे थे आप, वर्टेक्स की मैं यहाँ यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ इसी को, वर्टेक्स ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया आपका माइनस का थ्री कोमा फोर, थ्री बाई फोर और माइनस का वन कोमा वन बाई एट, वन बाई एट, ये आपका वर्टेक्स हो गया भाई। पैराबोला आपका अपवर्ड पैराबोला होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अच्छा ये पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव कहीं ना कहीं आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, दोनों
अक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, अक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों नेगेटिव होते हैं। तो देख लीजिएगा ये है माइनस का 3/4, तो कहीं ना कहीं यहाँ वन होगा तो इसके पीछे ही होगा। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं माइनस का 3/4 है और ये है माइनस का 1/8, 1/8 वन यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा पास में। तो इसका वर्टेक्स हम यहाँ ले लेते हैं, वर्टेक्स ये आपका पॉइंट हो गया है, ये पॉइंट आपका हो गया है माइनस का 3/4 और माइनस का 1/8, ये वर्टेक्स लिखा है, पैराबोला होगा। अब ये सर ओरिजिन से जाएगा या नहीं जाएगा इसकी भी बात करते हैं कि सर ये पैराबोला है जो ये ओरिजिन से जाएगा या नहीं जाएगा। सर आपका जो ये पैराबोला है आप मेरे को ये बता दीजिएगा कि ये ओरिजिन से जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसको ओरिजिन से भेजने के लिए या चेक करने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, अच्छा ओरिजिन से जाएगा या नहीं जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो फंक्शन है, आपकी जो आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू 2x² प्लस 3x + 1, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 + 0 + 1, यानी कि ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा। तो यहाँ से ये निकल जाएगा आपका, हाँ जी बेटा, तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये होगा 1,0। आपको एक होमवर्क देता हूं, आप मेरे को ये पॉइंट बताना कल, ये कौन सा पॉइंट है, यहां y इक्वल टू 0 है, ध्यान से सुनिएगा, यहां y इक्वल टू 0 है, मैंने y इक्वल टू 0 रखा है। आप अक्स की वैल्यू निकाल दीजिएगा y इक्वल टू 0 होके, अगर y इक्वल टू इसको 0 करोगे तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, अक्स की दो वैल्यू मिलेगी, जो नेगेटिव वाली है वो ले लीजिएगा। और ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव में भी दो वैल्यू मिलेगी आपको, दोनों नेगेटिव मिलेगी, एक ये वैल्यू मिलेगी, एक इधर वाली है ना, तो ये कौन सी वैल्यू है आराम से लिखिएगा और सोच के बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गए हैं आपका क्लियर, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कोई डाउट है तो भाई बात कर सकते हो आप, कोई भी आपके डाउट है इससे लेके तो आप बेसिक बात कर सकते हो कि सर यहाँ हमारी दिक्कत है। हाँ जी क्लियर सब, नेक्स्ट देखें, ओके चलो स्टार्ट करते हैं, सेकंड आपका एग्जांपल है वो, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात, यहाँ से हम बेसिक बेसिक बातें स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ से मेरे को एक बात बता दीजिएगा कि आपका इसका ए लीडिंग कोफिशिएंट माइनस 3 है, माइनस 3 का मतलब सर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जो पैराबोला बनेगा सर, सर वो पैराबोला होगा डाउनवर्ड, हाँ सर डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो इसके वर्टेक्स की हमें जरूरी होगी, और वो वर्टेक्स आप किस तरीके से निकालोगे आप मेरे को वर्टेक्स के लिए कहानियां बताते जाइएगा। वर्टेक्स निकालना आपका सेकंड पॉइंट आपका dy/dx करना, और वो हो जाएगा आपका माइनस का 6x + 4, और यहां से आपको dy/dx को जीरो करोगे तो माइनस का 6x + 4 = 0, तो यहां से आपको x मिल जाएगा 4/6, और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 2/3, x क्या आएगा आपका 2/3। अच्छा x की वैल्यू हम y में रखेंगे, x की वैल्यू हम x इक्वल टू 2/3 रखेंगे तो y क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस का 3, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2/3 माइनस 5 × -5। अच्छा इसको सॉल्यूशन इसको सोल्व मेरे साथ ही कीजिएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 12/9, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 24/9, और ये हो जाएगा आपका
फिफ्टीन बाई ओ सॉरी 45/9। सोचिएगा मैंने सही किया है क्या, सोचो सोचो। अगर मैंने सही किया है तो सर किस तरीके से आपने सही किया है बोलो। अच्छा इसको सोल्व कर, ओके ओके, जिन बच्चों को दिखाए, मुझे पता है कि सब कुछ है लेकिन मज़े में भी आप मज़े लेते हो। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो थोड़ा क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम तो पता ही है मेरे को 9 आएगा, लेकिन इसको सोल्व करोगे ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 12 है। ओके तो ये हो गया माइनस का 33। अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो माइनस का 3 से डिवाइड करोगे तो 11/3, तो ये आपकी वाई की वैल्यू आ गई है। ये आपका क्या आ गया है, वाई आ गया है। अच्छा वर्टेक्स क्या बात कर रहे थे सर, क्या वर्टेक्स यही होगा, क्या वर्टेक्स यही होगा 2/3 कोमा माइनस का 11/3। हाँ जी ये बिल्कुल यही वर्टेक्स होगा जो आप बता रहे हो। तो सर यहाँ एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा सर, यहाँ एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब ग्राफ बनाएंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला तो बनाएंगे क्योंकि हमें पता है डाउनवर्ड पैराबोला है। हाँ जी लेकिन आप बता दीजिएगा 2.2/3 कहीं ना कहीं यहाँ हम ले लेते हैं 2/3, और यहाँ लेते हैं हम यहाँ आसपास लेते हैं माइनस का 11/3 है ना, डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा तो यहाँ ले लेते हैं, तो ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, तो इसका वर्टेक्स ये पैराबोला से जाएगा।